से गिरीश जस्ट कैजुअल विजिट करने के लिए आए हैं और सचिन साहब को मिला, दैट इज़ ए डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी। और मेरे दोस्त ने नई मीटियोर ली तो उसको जैकेट्स, और मैं उसको गेयर अप कर रहा हूँ कि जैकेट्स लेते हम लोग, अच्छा हेलमेट लेते। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, और ये वीडियो जो होने वाला है जुगनी वीस्टॉर्म 650 के बारे में होने वाला है। ये मेरी जो जुगनी को 2 साल हो चुके हैं एंड हैज़ गिवन मी एंड ट्रीटेड मी रियली वेल। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये बाइक चलाने में। 20,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं एंड इसमें जो है उसका डिटेल्ड एक जो है ना रिव्यू आने वाला चैनल पे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। तो ये वाला वीडियो जो है इसमें मैं हैंडल बार इंस्टॉल करने वाला हूँ, और भी 2-3 चीज़ें करने वाला हूँ। वो है हैंडल बार के साथ साथ बाग बस्टर लगाने वाला हूँ, बिकॉज मेरा बाइक एक बार राइट साइड में एक बार लेफ्ट साइड में ड्रॉप हुआ था, तो उसके वजह से क्या है ब्रेक और क्लच लेवर है ना वो टूटने के चांसेस है अगर आपके पास अच्छे हैंड गार्ड्स नहीं होंगे तो। और अगर वो टूटते तो वो एक तो एक्सपेंसिव भी आते हैं एंड उसके साथ में अगर वो टूट जाएंगे राइड के टाइम पे तो आपको बाइक चलाने में इतना मज़ा नहीं आने वाला। ये वीडियो जो होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट जुगनी वीस्टॉर्म 650। सो अपनी जुगनी जो है 2 साल पुरानी एंड 20,648 किलोमीटर चल चुकी है। सो ये वाला जो है हैंडल बार है। सो हमारा टूल बॉक्स बाहर निकल चुका है, ये हम लोग मैकेनिक के पास से भी कर सकते थे बट हम लोग को थोड़ा क्या खुजली है। ये निशांत का, ये देखो निशांत का बाइक पे भी हैंडल बार लग चुका है स्टॉक हैंडल बार के जगह पे। ये वाला हैंडल बार हम लोग ने इंस्टॉल किया है विच इज़ क्वाइट गुड, जो बैठने के बाद ना वो ये एक्सपल्स के बारे में काफ़ी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि क्या क्या चेंजेस किए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हैंडल बार आपको ये जो है ना राइजर का भी ज़रूरत नहीं है, तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच इन राइजर्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो अभी लेट्स सी कि वीस्टॉर्म का हैंडल बार कैसा दिखता है। ये हैंडल बार को आके कितना महीना हो गया, मतलब 3-4 महीने, 3 महीना हुआ है। बार है और ये बार एंड वेट है विच इज़ रियली गुड फॉर लाइक कम वाइब्रेशन रहेगा और हैंडल बार भी स्टडी लगता है। सो हैंडल बार के साथ साथ बाग बस्टर इंस्टॉल होगा, मेरा रेयर टायर इंस्टॉल होगा। रेयर टायर जो है 20,000 किलोमीटर से चल रहा है तो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। फ्रंट में मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया था, आई थिंक 13-14,000 किलोमीटर्स के आसपास मैंने चेंज किया था। मेटजलर टूरान्स टायर डाला था, तो रेयर में भी सेम टायर जाएगा मेटजलर टूरान्स, वो भी 2-3 महीना आके स्टोर पे पड़ा हुआ है तो उसको देखते कभी इंस्टॉल करने का टाइम मिलता है। आज तो हैंडल बार इंस्टॉल होगा, उसके बाद में लाइट्स इंस्टॉल्ड होगी, उसको भी टाइम लगेगा। तो ये जो है किरण की बाइक आने से पहले आई एम गोइंग टू कीप माई बाइक रेडी सो दैट किरण का बाइक आते ही हम लोग बड़ी बड़ी राइड्स, छोटी मोटी बड़ी सब राइड्स हम लोग निकल सकते हैं। प्लस ये नए वाले सैडल स्टेज भी इंस्टॉल हो चुके, पहले वाला एकदम थोड़ा सा लोकल टाइप्स का था तो वो वाला चेंज करके ये वाला काफ़ी स्टर्डी है, दिखता भी अच्छा है, इंस्टॉलेशन भी अच्छा है इसका। थोड़ा तामझाम है, ये भी निकालना पड़ेगा ये पहला। तो ये मिरर्स जो है गाइस, ये वाले वन ऑफ द बेस्ट मिरर्स आई हैव एवर सीन, मतलब कोई भी बाइक पे। इनिशियली थोड़े बड़े लगते, थोड़े से वियर्ड से लगते, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट ये मिरर्स के साथ बहुत धमाल आता है। सो मैंने स्टॉक बाइक पे क्रैश बार्स भी लगाए थे, SW मोटेक के थे, और बैश प्लेट भी थी वो भी SW मोटेक की, बट बिकॉज ऑफ दैट जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 से ऑलमोस्ट 140 mm हो चुका है, तो डबल सीट के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, मतलब पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर्स के साथ में। बट उसका मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया है कि सस्पेंशन जो है हार्डेस्ट सेटिंग पे रखा है, बट आई वांट टू ट्राई वन मोर थिंग जो साउथ में काफ़ी वीस्टॉर्म ओनर्स ने किया है, सस्पेंशन राइज किया है, उसके वजह से ऑलमोस्ट 30-40 mm सस्पेंशन की हाइट बढ़ रही है, तो उसके वजह से जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी ऊपर जा चुका है, तो दैट आई वांट टू ट्राई, तो लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस। अगर आप मार्केट में बाइक्स अभी देख रहे हो इन बिटवीन 6-11-12 लैक्स के बीच में, तो वीस्टॉर्म इज़ रियली अ गुड टेक। अगर प्रियोन्ड भी मिलती है तो भी आप उठा सकते हो 7
8 लाख के रेंज में आपको मिल जाएगी, 1 या 1.5 साल पुरानी, एंड द इंजन इज रियली रॉक सॉलिड ऑफ वी स्ट्रॉन्ग। आफ्टर अथक परिश्रम आधा काम हो चुका है, अभी देखना है कि क्लच केबल इसके बराबर लगती है नहीं लगती है, अदरवाइज वी हैव टू चेंज द क्लच केबल क्योंकि हैंडल बार थोड़ा सा बड़ा है। दिस वॉज द स्टॉक हैंडल बार जिसका लेंथ थोड़ा छोटा है। इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीट, अभी एक शॉर्ट स्पिन लेके आता हूँ, मैं देखता हूँ क्लच केबल वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो जब तक मैं आई हूँ यहाँ पर बाइक की मरम्मत हो चुकी है, नेक्स्ट राइड की तैयारी इज ऑन गाइस। डन। मल्टी टैलेंटेड पब्लिक है अपने स्टोर पे, ये अभी मस्त हो गया। पहले मंदार तो ऐसे भी मोजो में था, तो ही इज एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स। और एक राउंड मार के आता हूँ। बहुत एंजॉय मत कर, मेरी बाइक आएगी तो मैं तेरे से फास्ट चलाऊंगी। 2 महीने तो तू स्लो ही चलाएगी। ओके बाय। ओके बाय गाइस, स्टोर पे चलते हैं। बागबस्टर किससे, मेरे बाइक पे तू चलते है? सो इस प्रोजेक्ट बागबस्टर इज फेल्ड एज ऑफ नाउ, क्योंकि जो बागबस्टर लगता है उसके लिए स्टॉक हैंडल बार चाहिए और ये हैंडल बार जो है थ्री इंच से वाइड है, इसकी वजह से ये वाले हैंडल बार पे बागबस्टर नहीं लगेगा। तो वील हैव टू कॉन्टैक्ट बागबस्टर एंड चेक की और क्या ऑप्शन कर सकते हैं, यूनिवर्सल वाला मॉड डाल के अगर होता है तो कर सकते हैं। फाइनल बोल्ट लग रहा है। फाइनल तो क्यों जलेसे? मुझे बस ये जानना है कि नहीं लग रहा था तो ये सैड होके मुझे पूछता है कि किरण बोल ना लग जाएगा क्या? नहीं पता, मुझे नहीं लगना चाहिए। हमारे पास बागबस्टर का खजाना है तो हम लोग ने अलग अलग बोल्ट डाल के लगाया। एक्चुअली अब पहले हम लोग ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला इधर लगाने का ट्राई करते हैं, इधर उधर, तो यहाँ पे नहीं वो यहाँ पे लगना चाहिए, तो यहाँ पे भी हो गया, थोड़ा बोल्ट ऊपर नीचे हो गया था, बड़ा बोल्ट लगा ट्राई किया क्योंकि वी ऑल्सो कीप दिस इन आर स्टोर, तो बहुत सारे रहते तो ये एक्स्ट्रा रहते भी है तो मिल जाता है। ये मैंने बागबस्टर मेरे वीस्ट्रॉम 650 जुगनी पे लगाया हुआ है, तो सिमिलर टाइप के बागबस्टर जो होते हैं अलग अलग बाइक के लिए अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। ये बागबस्टर का कॉस्ट जो है वीस्ट्रॉम 650 के लिए 8600 फॉर दिस एल्यूमिनियम गार्ड आता है। एल्यूमिनियम गार्ड के साथ में जो भी फिटिंग्स आती है, बोल्ट्स आते हैं, उसका कॉस्ट है 8600। एंड ये जो आपको येल्लो एंड ब्लैक दिख रहा है इसका कॉस्ट है 3200। वो कॉस्टिंग शायद ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसके लिए लिंक जो है, इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस यू कैन बाय फ्रॉम रूम स्टोर वेबसाइट, रूम स्टोर पर आके भी ख़रीद सकते हो या फिर हमारे वेबसाइट पर जाके आप ख़रीद सकते हो आपकी कौन सी बाइक है उसके हिसाब से। तो ये हिमालयन में भी आता है, 390 एडवेंचर के लिए भी आता है, GS 310 से लेकर 1250 सभी बाइक्स के लिए आता है, टाइगर्स में आता है, ट्रायम्फ टाइगर्स में आता है, बॉनविल्स के लिए भी आता है, बॉनविल के लिए पर्टिकुलर नहीं आता है बट थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, यूनिवर्सल वगैरह आता है वो वाले आपको बॉनविल में लगा सकते हो, सिमिलर यूनिवर्सल माउंट जो है आपके डोमिनार में भी लगा सकते हो। सो गाइस देयर आर फ्यू बाइक जिसमें बागबस्टर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे आपके क्लिप ऑन हैंडल बार्स होते हैं, निंजा हो गई या फिर CBR 250R हो गई, CBR 650 हो गई, वो सब बाइक्स में आप बागबस्टर ये वाला नहीं लगा सकते बिकॉज ये स्ट्रेट हैंडल बार्स पे ही लगता है, तो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एक्सपल्स पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं लगा सकता हूँ क्या, यस आप लोग लगा सकते हो यूनिवर्सल वाला मॉड, बट आप अगर उतनी राइड करने वाले हो तो लगाओ बिकॉज बागबस्टर जो है थोड़े प्रीमियम बाइक्स पे या फिर जिनके पार्ट्स जो है इजीली अवेलेबल नहीं होते या फिर
अगर वो टूटने के बाद बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो हीरो एक्सपल्स अगर आप देखो तो इसके लेवर, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर जो काफ़ी सस्ते आते हैं, तो आप राइड पे वो लेके भी जा सकते हो। तो आपको एक्सपल्स में वगैरह डालने की, अगर मेरी एक्सपल्स होती तो मैं बोलूँगा कि उस पर नहीं डालेंगे तो चलेगा। अगर आप रैली करने वाले हो, उसके साथ बहुत हाई स्पीड करने वाले हो, तो बागबस्टर लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैली के टाइम पर अगर कुछ टूटता है तो आपको यू कैन टेक दैट चांस फिक्सिंग वाइल ऑन रैली। सो हैंडल बार का हो गया। अभी आप लोग पूछोगे कि ये सैडल स्टे का डिज़ाइन आपको कहीं पे दिखा नहीं होगा। डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, नॉट लाइक ऑल द सैडल स्टेज। तो ये डिज़ाइन जो है मैंने किया हुआ है, येस यू हर्ड इट राइट, मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, और उसके हिसाब से जो छोटे छोटे चेंजेस थे वेंडर के साथ बैठ के हम लोग ने किया था। सो दिस वॉज अनदर प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम व्रूम गियर्स कि हम लोग ये ट्राई कर रहे थे। तो अभी स्टिल ये एकदम बेबी प्रोजेक्ट है, ये बड़ा होगा तो होपफुली अगर बहुत अच्छे से सब समझ में आता है तो ये व्रूम गियर्स के अंडर आएगा या फिर नहीं आएगा। अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट श्योर, कोई भी चीज़ व्रूम गियर्स के अंडर नहीं आएगी। तो एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद दिस सैडल स्टे, बट इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट अगर ये आता है तो। सो हैंडल बार का कॉस्ट जो है 3600 का है गाइस, एंड ज़्यादा भी ब्रॉड नहीं है, ज़्यादा भी शॉर्ट, मतलब हाइट भी थोड़ी ठीक हुई है, और थोड़े मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। सो आई विल कीप यू पोस्टेड, थोड़ा क्योंकि अभी मैं स्ट्रेस्ड लग रहा हूँ, थोड़े मेरी तरफ पुल करूँगा तो अच्छा लग जाएगा। तू कुछ जेलस हो रही है? वी आर नॉट फ्रेंड्स एट ऑल। तेरा तो बाइक भी नहीं है, उसका भी हैंडल बार चेंज हो गया, उसका हैंडल बार भी चेंज, इधर हैंडल बार भी चेंज, और बागबस्टर भी। आई एम नॉट लाइकिंग इट सचिन, लेट्स नॉट टॉक, ओके, बैड ऑफ। लेट मी टेल यू गाइस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मन कर रहा है किसी को तो बकोट लूं, नाखून वाखून मारूं ऐसे। अच्छा ऑप्शन बोल रहा हूँ, निशांत का एक्सपल्स उठा ले, उसको बोल, माँ बोलेगा मैडम आप भर दो बस, चलेगा, ले लो चलो, कॉन्फिडेंस बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। उस दिन वेदांत बाइक, हम लोग ने एक रील बनाया इंस्टाग्राम पे ब्रूम स्टोर के, बाइक चला रहा था, वेदांत सुन ना गिराना मत, पांच बार तो उसने यही बोला है। तो सबकी बाइक अपने लिए प्यारी होती है, मेरी भी बाइक आएगी गाइस, मेरा भी दुना आएगा, हर इंसान का दिन आता है, ठीक है एवरी। हाँ ये कुछ अच्छा बोला वो, ठीक है का दिन आता है। हाँ मैं कुत्ती हूँ फिलहाल, तो मेरा भी दिन आएगा गाइस, एक दिन होगा कि जब मेरी भी बाइक होगी ऐसे ही बागबस्टर्स लगी हुई रहेगी, और मैं सचिन से ज़्यादा फास्ट और आगे जाऊँगी, क्योंकि मेरी जो सीसी होगी ना वो थोड़ी, देखते हैं देखते हैं, वी विल सी, वी विल सी, एज ऑफ नाउ तो प्रोजेक्ट इज वर्किंग फाइन, गोइंग फाइन। लेकिन ये तो सैड सा लगा कैसे? क्यों मेरे बाइक पे बैठी हो? ऐसे ही करूँगी मैं। कैसे करेगी? बीवू बीवू नंबर वन बुलशिट गाय, यू आर नॉट आई एम। सो गाइस ऑल डन, किरण बोल रहे हैं कलर में डिफरेंस है, कलर एकदम परफेक्ट है, मार्जिनल डिस्टेंस है, डिफरेंस नॉट एट ऑल, वेरी नॉट, अपन को नहीं अच्छा लगा। ये सब स्वाहा स्वाहा, बागबस्टर भी लग गया, ये भी लग गया, रैम भी लग गया, सब लग गया, अभी सिर्फ ये उखाड़ दूंगी मैं ये। ये मत 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 तरे, दे तो तेरा जल्दी बाइक आएगा, साइको दिख रहा है तू कैमरा पे। ओके फाइन, थोड़ा स्क्रैच स्क्रैच मार के दू, पेंसिल से स्क्रैच मारूंगी, रुको। सो गाइस फर्स्ट मॉड इज डन, हैंडल बार इज डन, बागबस्टर्स भी लग चुके हैं, और ये वीडियो को डोंट लाइक दिस वीडियो, डोंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू नॉट कमेंट गाइस, वी आर नॉट फ्रेंड्स एट ऑल। इसका कुछ भी मत सुनना, ये वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है आगे, आने वाली कब आएगा, आएगा आएगा जल्दी आने वाला है इसका बाइक। अभी इसको भी सहना पड़ेगा, इसको कुछ खिलाना पड़ेगा अभी, तब जाके, हाँ चिकन खिलाता, रुक मेरा हाथ चिकन नहीं है, हाँ
So until then, always wear helmet and don't keep. Don't wear a helmet or don't ride also bike. जब तक मेरी bike नहीं आएगी, nobody wearing helmet, nobody riding bike, no keep grooming. No like and share and subscribe. एक भी like आई ना guys, we are not friends.